इन दोनों में कौन सी औरत अपने हस्बैंड को मारना चाहती है? तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं ए और बी में कौन सी औरत अपने हस्बैंड को मारना चाहती है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए वाली औरत को ध्यान से देखिए, उसने अपने पति के जूस के गिलास में कुछ मिलाया है। अगर आपका भी यही आंसर था तो वीडियो को लाइक करें। मेहुल घर जा रहा था, तभी उसकी नज़र चौराहे पर एक आदमी पर पड़ी जो रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। पर मेहुल को तुरंत समझ आ गया कि ये आदमी चोर है। पर कैसे लॉजिकल फ्रेंड्स, मेहुल को कैसे समझ आया कि ये आदमी चोर है? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसने रेड चीप के शूज और स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। भला एक गुब्बारा बेचने वाला इतनी महंगी चीजें कैसे पहन सकता है? मतलब ये चोर होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डॉक्टर शर्मा को एक कॉल आता है। सर, एक इमरजेंसी है, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? किचन में आग लगने की वजह से मेरी बेटी का हाथ जल गया। डॉक्टर शर्मा बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर तीन घर हैं। डॉक्टर शर्मा जल्दबाजी में ये पूछना भूल गए कि उन्हें कौन से घर में आना है। डॉक्टर शर्मा वापस उस नंबर पर फोन मिलाते हैं, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। तो क्या आप डॉक्टर शर्मा की मदद कर सकते हैं ये बताने में कि उन्हें कौन से वाले घर के अंदर जाना चाहिए, ए बी या सी? अच्छे से सोचें और मुझे आप कौन सा कमेंट करके बताएं। कॉल पर बताया गया किचन में आग लगने की वजह से बेटी का हाथ जल गया। तो इन तीन घरों में से इस वाले घर की खिड़की से धुआं आ रहा है, तो मतलब यहाँ आग लगी है। डॉक्टर शर्मा उस घर के अंदर जाते हैं और पेशेंट का इलाज करते हैं। ये दोनों बॉय डेंजर में हैं, पर लॉजिकल फ्रेंड्स, इनमें एक बॉय सबसे ज्यादा डेंजर में है। तो क्या बता सकते हैं ए या बी बॉय में कौन सबसे ज्यादा डेंजर में है? अच्छे से देख के और मुझे आपका आंसर कॉमेंट करके बताए। बी वाला बॉय सबसे ज्यादा डेंजर में है, क्योंकि उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर जाने वाली रस्सी देखिए, वो टूटी हुई है, ये कभी भी टूट सकती है। अगर आपका भी यही आंसर था तो वीडियो को लाइक करें। पुलिस चोर का पीछा करते करते एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्डिंग के अंदर चोर कहीं पर दिखाई नहीं देता है। तभी सामने वाले बाथरूम से तीन आदमी बाहर आते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पहला वाला बोलता है, मैं तो बाथरूम में नहा रहा था। दूसरा वाला बोलता है, मैं तो टॉयलेट करने गया था। और तीसरा वाला बोल रहा है, मैं हाथ धोने गया था। पुलिस बाथरूम के अंदर जाती है और समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप समझे कौन झूठ बोल रहा है? चलिए इसको आंसर देखते हैं। इस बाथरूम में नल और पानी कहीं पर भी नहीं है। ये बाथरूम सिर्फ टॉयलेट और हैंड वॉश के लिए। मतलब पहला वाला आदमी झूठ बोल रहा है कि वो बाथरूम में नहा रहा था। तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। इन दोनों में कौन सी औरत मूर्ख है? सोचिए सोचिए लॉजिकल फ्रेंड्स और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे तो ये ए वाली औरत मूर्ख लग रही है। वो बैडमिंटन के रॉकेट से मच्छर मार रही है। ऐसी और पहेलियां देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।